आज रिया की तरफ से एक मुंबई पुलिस बांद्रा पुलिस को एक कंप्लेंट दी गई है। उस कंप्लेंट को मैंने देखा और मेरे सामने रखा गया तो मैंने समझा कि इस कंप्लेंट के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। ये कंप्लेंट जो है एक तो बिल्कुल मुंबई पुलिस का उस पर कोई अख्तियार नहीं कि इस तरह का कंप्लेंट पहली बार एक्सेप्ट करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी इस मामले से संबंधित कोई भी कंप्लेंट होगी वो सीबीआई को ही जाएगी। इसलिए एक ये साजिश है कि किसी तरह से मुंबई पुलिस को एक्टिव रखने की साजिश है, जिसमें कि मुंबई पुलिस किसी न किसी तरह से इसमें हस्तक्षेप कर सके इस इन्वेस्टिगेशन में। तो इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद कंप्लेंट है, बिल्कुल इसमें मुंबई पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। और अगर इस कंप्लेंट को गौर से देखा जाए तो इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है ही नहीं। इस कंप्लेंट में जो इनकंसिस्टेंसी है कि पहले तो कह रही कि उन्होंने 8 जून को ही देख लिया था कि ये प्रिस्क्रिप्शन, अगर वो भेज रही थी बहन, अगर 8 जून को ही भेज दिया था प्रिस्क्रिप्शन उनके पास और दवाइयों का नाम भेज दिया था, तो फिर सडनली इनको व्हाट्सएप मैसेज आज क्यों दिखाई दे रहा है और आज क्यों कंप्लेन कर रही है। तीसरी बात कि जो ये गाइडलाइंस की बात कर रही है उस कंप्लेंट में, टेली कंसल्टेशन गाइडलाइंस, ये टेली कंसल्टेशन गाइडलाइंस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, इस गाइडलाइंस के बेसिस में कोई FIR या कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हो सकता। इस गाइडलाइन के अंतर्गत जो इन्होंने जो भी कंप्लेंट करने की कोशिश की है वो बिल्कुल मेंटेनेबल नहीं है, मतलब उसका पुलिस उस इस मामले में पुलिस का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता इस मामले में। इसलिए ये जो कंप्लेंट है इसको एक तरह से एक ये कंप्लेंट खुद ही एक ऑफेंस है, क्योंकि 182 धारा में IPC में अगर कोई कंप्लेंट करता है किसी पुलिस अधिकारी को, उस पुलिस अधिकारी से एक गलत तरीके का इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए या एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए जिस पुलिस अधिकारी को जिस पे कोई अधिकार नहीं हो, तो वो भी पनिशेबल है IPC धारा 182 में और 6 महीने की उसमें सजा है। इसलिए ये जो कोशिश है इस मामले को, इस इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की और एक ये अपने अपने आप को बचाने की और ये दिखाने की कि कोई इसमें बहनों की तरफ से या किसी और की तरफ से कोई गलती हुई है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और ये कोई इनकी जो कोशिश है इस मामले को डिफ्लेक्ट करने की और इस मामले को सही इन्वेस्टिगेशन से डिरेल करने की, वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और इसीलिए मैंने समझा कि इस बारे में बात करना ज़रूरी है। टुडे आई हैव बीन गिवन अ कंप्लेंट फाइल बाय रिया चक्रवर्ती इन दी बांद्रा पुलिस। दी कंप्लेंट क्लियरली फर्स्टली एग्जिबिट्स दैट दिस इज एन एफर्ट टू कीप द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मुंबई पुलिस अलाइव इन दिस मैटर, when the Supreme Court very clearly has said in the judgment that if there is any complaint with regard to the death of Sushant Singh Rajput, that also will be investigated by the CBI. So this is a clear attempt to somehow keep the Mumbai police alive in this matter so that they can do some mischief and ensure that there is the family of Sushant Singh Rajput does not get justice in this matter. The complaint itself has inconsistency, because in the first part of the complaint she says that she had seen that Priyanka was advising him to take some medicine which was not in sync with the prescription that she had got for Sushant, and that is why she left the household. But suddenly in the end of the complaint she says that she has come to know now about these WhatsApp messages. Lastly, this is not a cognizable offense at all for the police to even accept this complaint. This complaint should not have been accepted by the police, because for any complaint to be accepted by the police, it has to disclose the commission of a cognizable offense. Firstly, this is not an offense at all. This is at best the teleconsultation guideline of the Medical Council of India. And Medical Council of India and this complaint made to the police clearly is without jurisdiction, because the police has no right to decide whether the teleconsultation guideline has been properly adhered to or not. So in that sense also this complaint is clearly without jurisdiction and without any basis. The whole effort by this complaint actually is an offense by itself, because under section 182 of the IPC,
इफ यू मेक ए फॉल्स कंप्लेंट और इफ यू मेक अ कंप्लेंट फॉर द पुलिस टू टेक एक्शन ऑन सच ए कंप्लेंट विच इज नॉट टेनेबल इन लॉ देन द पर्सन हु मेक्स सच काइंड ऑफ अ कंप्लेंट इज लायबल टू बी पनिश फॉर 6 months इम्प्रिजनमेंट. सो आई पर्सनली फील दैट रिया हैज कमिटेड अनदर ऑफेंस by making this kind of a false complaint before the Mumbai police, and the whole effort appears to be to somehow derail the investigation from the line in which it is going and somehow deflect the minds of the people from what is happening in the investigation where so many new facts are coming to light. In fact, the family was not even aware of this extensive drug angle being involved, and I don't want to comment on this because it is still ongoing. But very soon we are quite hopeful that the entire conspiracy in this very heinous crime will come out, and the accused persons will be properly charge sheeted and will be made to face the law. Thank you. Sir, अपने कंप्लेंट के साथ बांद्रा पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को कोई अधिकार नहीं है और ना ही हस्तक्षेप करना चाहिए, तो अभी वहां बैठने का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, अगर बांद्रा पुलिस इस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन होगा और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा. और अगर बांद्रा पुलिस अगर इसको आगे बढ़ाना चाहेगी तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा करके सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और इंश्योर करेंगे कि इस तरह से जो ये मामले को एक डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है उसको हम सफल ना होने दें. सर, जिस तरह से इस पूरे मामले में 15 करोड़ रुपए के लेन देन की बात थी, रूमी जाफरी ने ये बताया, जो फिल्म डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसर है, उन्होंने बताया कि जिस फिल्म को लेकर चर्चा हुई थी और जिनसे बात है कि 15 करोड़ रुपए का भुगतान रिया और सुशांत की फिल्म के लिए दिया जाएगा, वो भुगतान आज तक दिया ही नहीं गया. देखिए, ये सारे मामले इन्वेस्टिगेशन के हैं और आपको आप लोग को मैंने पहले भी कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन के मामले हैं उसमें मेरा बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मामला अभी बहुत ही आगे बढ़ चुका है इन्वेस्टिगेशन, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें खुलासा होगा और चार्जशीट फाइल होगी और पता चलेगा कि किस तरह से मनी ट्रेल अगर गया है तो कैसे गया है और क्या माध्यम था उस मनी ट्रेल को निकलने का. सर, जो ये प्रिस्क्रिप्शन आया है आरएमएल के डॉक्टर तरुण कुमार का, जिसको लेकर शिकायत की है रिया ने, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जहां तक उस प्रिस्क्रिप्शन का सवाल है, हम तो अभी सिर्फ उनके कंप्लेंट को डील कर रहे हैं. इस कंप्लेंट में कोई बेसिस बनता है कि नहीं बनता है, इसको डील कर रहे हैं. जहां तक प्रिस्क्रिप्शन का मामला है, जब ट्रायल में अगर इस प्रिस्क्रिप्शन को लाया जाएगा तो उसको भी अलग से डील करेंगे, लेकिन आज मेरे हिसाब से इसको डील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लेंट ही बेबुनियाद है. ये कंप्लेंट पुलिस के पास जा ही नहीं सकती, इसमें कोई क्रिमिनैलिटी नहीं है. इसमें क्रिमिनैलिटी उनके तरफ से है बाय मिसयूजिंग द पुलिस मशीनरी एंड गेटिंग अ फॉल्स केस रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 182. इतने चैट रिया के सामने आए हैं, क्या लगता है कि रिया को अब गिरफ्तार कर लेना चाहिए? देखिए, ये तो उनका एक डिसीजन है गिरफ्तार करने का, किस तरह का एविडेंस उनको चाहिए गिरफ्तार करने के लिए, इसमें भी इंटायरली डिस्क्रिशन पुलिस का है. लेकिन हाँ, अगर परिवार के वकील की हैसियत से अगर पूछेगा तो मेरे को लगता है जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होगी, तो इसमें मामला बहुत खुलासा होगा, लेकिन ये इंटायरली डिस्क्रिशन है इन्वेस्टिगेशन. सर, अगर ये मामला पूरा मर्डर के लिए जांच की जा रही थी, लेकिन अब जो मामला है कहीं ना कहीं ड्रग के की जांच के इर्द-गिर्द घूम रहा है, क्या आपको लग रहा है मामले की जांच सही दिशा में जा रही है? देखिए, ये ड्रग एक एडिशनल एंगल है. ड्रग के आ जाने से मतलब ये नहीं कि मर्डर या जो एबिटमेंट टू सुसाइड है किसी तरह से वो केस कमजोर हुआ है. वो केस होने के बावजूद ये एक और एडिशनल केस निकल के आया है सारे मामले में, और इसमें भी बड़ी सीरियस ऑफेंसेस निकल के आ रही हैं. इसमें सिर्फ ड्रग कंजम्पशन की बात नहीं आ रही है, बट ड्रग डीलिंग की बात भी आ रही है. इसलिए ये मामला किसी तरह से ड्रग का मामला आना मेन केस को किसी तरह से कमजोर नहीं करता है, मेन केस को किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करता है. सर, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के पास, जैसा आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनके पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, क्या यही शिकायत अगर सीबीआई के पास लेके जाए रिया, तो उस समय कितना इसकी अहमियत रहेगी? देखिए, सीबीआई के पास ले जा सकती है, जरूर ले जा सकती है अगर उनको इसमें कोई केस बनता है, लेकिन इसमें कोई क्रिमिनलिटी है ही नहीं. सीबीआई कोई भी पुलिस एजेंसी हो, चाहे मुंबई पुलिस हो या सीबीआई हो या पटना पुलिस हो, जब तक कि कॉग्निजिबल ऑफेंस नहीं हो, ऑफेंस ही नहीं, नॉर्मल ऑफेंस जो कॉग्निजिबल नहीं होता है वो मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, वो पुलिस उस पर डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता.
जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें कि पुलिस डायरेक्टली एंटरटेन कर सकता है, अगर वैसा कोई कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तभी पुलिस के पास जा सकता है, और अगर इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता इस कंप्लेंट में तो जरूर वो अब सीबीआई के पास जा सकती थी और कह सकती थी कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को आपको सारी मामले को आपको इन्वेस्टिगेट करना है तो इस मामले को भी आपने आप उसमें लेकर के इन्वेस्टिगेट विकास सर, जिस तरह से आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाद ये मुंबई पुलिस को लेना ही नहीं चाहिए था और रिया ने ऐसा किया, अभी भी वहां पर है, तो क्या लगता है कि कोई पीछे से गाइड कर रहा है, कोई है उनके पीछे इस तरह से उनको मोटिवेट कर रहा है, तमाम जो एक तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं, सलाह ली जा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए इस बारे में मेरा बोलना ठीक इसलिए नहीं है कि क्या उनके पीछे कौन कौन हाथ लगे हैं, वो तो सीधे इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, इसलिए इस बारे में मेरा क्या, मैं क्यों बताऊं इसमें क्या है, लेकिन जो कर रही हैं, जो पब्लिक डोमेन में आ गया है वो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल बेबुनियाद है और वो बिल्कुल एक इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत उसके ऑर्डर का उल्लंघन है, और अगर बांद्रा पुलिस इसमें कुछ करना चाहेगी तो डेफिनेटली इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुरंत लगेगा। सर बट द कंप्लेंट आल्सो कॉल्स इट अ फॉर्जरी बिकॉज़ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑन जून 8 सुशांत सिंह वाज इन मुंबई एंड नॉट इन दिल्ली व्हेयरएज द प्रिस्क्रिप्शन कॉल्स हिम एज एन ओपीडी सेशन। वेल एज फार एज द कंप्लेंट इज कंसर्न्ड इफ यू लुक एट द टेली कंसल्टेशन गाइडलाइन whether you Ram Manohar Lohia had the facility of teleconsultation or whether they were giving teleconsultation also in the form of OPD is something which is if examined by the appropriate authority, not by the police, if examined by the appropriate authority that question will arise, but that question does not arise according to me today when the matter is for a police investigation. Sir, ek sawal aur sir, jo Man Shinde hain relative advocate, unka ye kehna hai ki agar koi bhi case Mumbai police bhi register karti hai तो सीबीआई को ट्रांसफर किया जा सकता है। आपके वक्तव्य के बाद तुरंत उन्होंने ये कॉपी डाली है और ये लिखा, और ये लिखा। हाँ तो वो तो उनको समझ में आ रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करेंगे तो उसका क्या हश्र होगा, इसलिए उनको जैसे ही पता चला तो ऑब्वियसली वो करेंगे ही या, लेकिन वो जो कंप्लेन उन्होंने जो किया है ये भी 182 का क्लियर कट ऑफेंस है, क्योंकि ये बिल्कुल केस नहीं बनता, चाहे वो मुंबई पुलिस हो या सीबीआई हो, अगर इस तरह के फॉल्स कंप्लेन पे चाहेंगे कि एक्शन लिया जाए तो ये 182 का क्लियर कट लायबिलिटी उठेगा उनके ऊपर और ये बिल्कुल एक ऑफेंस होगा जिसपे कि उनपे एक्शन लिया जा सकता है। क्या सर आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह रिया चक्रवर्ती मुंबई की बांद्रा में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, कहीं ना कहीं वो हड़बड़ाई हुई है कि मुंबई पुलिस इस मामले में एक्टिव रहे और जांच एजेंसियां जिस तरह जांच कर रही है लगातार वो परेशान हो रही है? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हमारा शुरू से यह मानना है कि मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं इनके तरफ बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहा है, इनको कहीं ना कहीं इनको वहां से सहयोग है या इनको एक अश्योरेंस है कि मामला इनकी तरफ नहीं जाएगा, इसलिए बार बार कोई मौका खोज करके ये मुंबई पुलिस में एक उनका जबरदस्ती जुरिस्डिक्शन बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि जुरिस्डिक्शन आज के दिन में किसी हाल में नहीं बनता है सुप्रीम कोर्ट के इतने स्पष्ट निर्णय के बाद। धन्यवाद। ठीक ठीक।